बच्चों कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपके लिए 11th क्लास NCERT चैप्टर सेकंड का मिसलेनियस एक्सरसाइज का वीडियो बना रहे हैं। आप ध्यान दें, बहुत ही पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है मिसलेनियस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ रिलेशन है और डिफाइंड किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 3x। ये इसके इंटरवल दिए हैं एफ और जी दोनों। अब हमें प्रूव करना है कि एफ फंक्शन है एंड जी फंक्शन नहीं है। इसके लिए सिंपल तरीका है, हमने एफ फंक्शन लिख लिया, रिलेशन लिख लिया। अब इन दोनों में एक्स की दो कंडीशन है, एक्स की वैल्यू 0 से 3 तक है, इसमें फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और दूसरा है 3 से 10 तक, इसके रिलेशन है 3x। अब यहाँ पे देखो, 3 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कंडीशन है, कॉमन है। तो एट कॉमन पॉइंट ले रहे हैं, देखो पहली कंडीशन में भी 3 आ रहा है और दूसरे में भी 3 पे हम दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो एफ 3 इक्वल टू यहाँ रखेंगे फर्स्ट पार्ट में 3 स्क्वायर, ये 9 आ गया, एंड दूसरा सेकंड पार्ट में एफ 3 निकालेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 9। आपने देखा है कि 0 से 3 और 3 से 10 दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 का यूनिक इमेज है। कैसी है? 3 का यूनिक इमेज है। देयरफॉर फॉर एक्स 0 से 10 तक, हमने दोनों को एक साथ कर दिया, द इमेज ऑफ एफ एक्स, द इमेज ऑफ एफ एक्स इज यूनिक। वो 3 के लिए दोनों वैल्यू सेम आई है, यूनिक। देयरफॉर एफ एक्स इज फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन है, ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में दिया है रिलेशन जी डिफाइंड किया गया है, 0 से 2 में एक्स स्क्वायर है और 2 से 10 में 3x है। एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पे भी कॉमन है, देखो एक्स इक्वल 2 है फर्स्ट कंडीशन में भी सेकंड में भी, इक्वल भी लगा हुआ है। अगर ये इक्वल नहीं होता, इसमें देखो इक्वल ये ऐसा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर, दोनों में इक्वल है इसलिए 2 पे के चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं हम पहले, तो जी 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 आ गया, एंड सेकंड कंडीशन है जी एक्स 3x, यहाँ जी 2 निकालेंगे 3 × 2 6। दोनों वैल्यू देखो डिफरेंट है, 2 की इमेज यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। सिंस इमेज ऑफ टू देखिए, इमेज ऑफ 2 इज 4 and 6, विच इज नॉट यूनिक, माने एक ही दो इमेज आ गई। देयरफॉर जी एक्स इज नॉट फंक्शन। कॉमन एलिमेंट की हम इमेज निकालते हैं, अगर यूनिक नहीं है तो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सॉल्यूशन
एफ एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर दिया है, देखिए इसके हिसाब से हम रखेंगे एफ 1.1 माइनस एफ 1, एफ यहाँ एफ नहीं है, 1.1 माइनस 1, तो एफ 1.1 रखेंगे एक्स में तो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे माइनस हो जाएगा तो वो 0.1, 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1। यहाँ पे देखिए ऊपर तो आ गया 0.21, नीचे आ गया 0.1, तो आंसर आ जाएगा 2.1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, हमें डोमेन निकालना है। तो देखो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए मतलब जो वैल्यू हम एक्स की यहाँ रख सकते हैं सेटिस्फाई करें वही डोमेन होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे आ जाएगा, अगर इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 2 x माइनस 6, ये फैक्टर आ गए, तो डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इन चीज़ों से हमें बचना होता है। अगर इनमें से कुछ भी आ गया तो ये वो पॉसिबल नहीं, वो इंडेफिनेट हो जाएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं रहेगी, देखिए नॉट पॉसिबल। देखो तो हमने लिखा एक्स, इसमें देखो इसके फैक्टर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, अगर 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 6 रख देंगे तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, इसलिए इन दो वैल्यू से हमें बचना है। देखो तो इसको हम दिमाग में रख के चलेंगे, इट कैन बी सीन, कैन बी सीन ये हमें दिखाई दे रहा है, एफ इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 6, ये दो वैल्यू को छोड़ के सब कुछ ले सकते हैं। हेंस इसका जो डोमेन आएगा, रियल वैल्यू हम कोई भी यूज कर सकते हैं, केवल रियल में क्या, केवल दो वैल्यू नहीं कर सकते हैं, कौन से 2 एंड 6, इनको छोड़ के डोमेन में ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। फोर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स माइनस 1, तो अगर रूट है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आया मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, सिंस रूट एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड फॉर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है, देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, तो
तो डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन के अंदर आ जाएगा वन से इनफाइनाइट, वन से इनफाइनाइट तक इसका डोमेन, मतलब वन से लेके हम इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो वन रखने पे जीरो आ जाएगा। और रेंज, रेंज के लिए देखो एक्स की वैल्यू, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसमें जीरो आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा जीरो, रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आंसर आएंगे वो जीरो से स्टार्ट होंगे, देयर फॉर रेंज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है आंसर का सेट। देखिए नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, सॉल्यूशन। तो मॉड है, तो मॉड में कोई कंडीशन नहीं है कि सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। देखिए इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी रियल वैल्यू इसमें रख सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर आ गया। देखो अब मॉड एक्स है एंड मॉड एक्स हमेशा जीरो या जीरो मतलब पॉजिटिव ही होगा, मैक्सिमम इसके सबसे छोटी वैल्यू जीरो हो सकती है, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज जीरो से इनफाइनाइट, ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉल्यूशन। यहाँ एफ एक्स दिया है एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो तो इसे अगर हम सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं अपनी मर्जी, मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वन रखेंगे तो वन अपॉन टू आ जाएगी, टू रखेंगे तो ये फोर अपॉन फाइव आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो नाइन अपॉन टेन आ जाएगा, टू टू या फोर थ्री रखा तो नाइन अपॉन टेन, फोर रखेंगे देखिए
तो देखो इसमें जो जो सेकंड वैल्यू है ये लेस देन वन है, वन से कम है किसी भी कंडीशन में। द रेंज ऑफ एफ द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज बिटवीन जीरो एंड वन। दस रेंज ऑफ एफ जीरो से लेके वन से लेस, ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवंथ। यहाँ एफ एक्स और जी एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स प्लस वन, जी एक्स दिया है टू एक्स माइनस थ्री। तो पहला एफ एफ प्लस जी, एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों प्लस में आ जाएंगे, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स थ्री एक्स हो गए माइनस टू, थ्री एक्स माइनस टू हो गए। दूसरा एफ प्लस जी की वैल्यू हो गई है थ्री एक्स माइनस टू। अब एफ माइनस जी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स है एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस टू, ये इसका आंसर हो गया है। देखिए एंड थ्री एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल इक्वल टू जीरो या एक्स नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री, इसमें आएगा। अब इसके बाद एफ अपॉन जी एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये आ गया। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर देखिए, सॉरी 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 यहाँ डिवाइड नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है। देखो ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एफ की वैल्यू है एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स का माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो माइनस एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ये हो गया इसका। इसके बाद डिवाइड में, तो डिवाइड में टू एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसके फंक्शन निकल गए।